आनंद एक गुड मैनेजर, एक बहुत बढ़िया मैनेजर रहे हैं आनंद, जो भगवान बुद्ध के जो सेवा करते थे और उनके भाई भी थे। धम्मपद की गाथा नंबर 21, 22, 23 में आप देखेंगे एक जिक्र है मार्कंडेय का। मार्कंडेय के जो पिता हैं वो बुद्ध से शादी करना चाहते हैं मार्कंडेय की, मगर बुद्ध कहते हैं कि जिस रात हमें बोधि प्राप्त हुई उस रात हमारे सारे राग द्वेष चले गए, अब हमारे अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि हम कहीं शादी करें या कुछ करें, हमारे लिए तो अब निर्वाण चूंकि हमने प्राप्त कर लिया है और हम तो पके हुए अपने समय का पके होने का इंतजार कर रहे हैं। मार्कंडेय को ये बात बहुत बुरी लगती है और मार्कंडेय इसको अपनी इज्जत बेइज्जती से जोड़ के रख लेती है। मार्कंडेय का जो शादी है वो कौसाम्बी के जो राजा हैं उदयन उनसे होती है और घोषित राम करके वहां पर एक राम है यानी कि उद्धान है, बगान है, घोषित का है, जो घोषित ने राम बनवाया था उसका। तो वहां भगवान बुद्ध आते हैं चारिका करते हुए। रानी जो मार्कंडेय है वो भगवान बुद्ध से बदला लेने के लिए पूरी चालें चलती है। राजा उदयन की एक रानी और भी है सामावती करके, सामावती बड़ी अच्छी है। सामावती को वो छल कपट से, क्योंकि वो सामावती बुद्ध का प्रवचन सुनना चाहती है, तो सामावती को नीचा दिखाने के लिए मार्कंडेय बहुत सारी चालें चलती है। ये मैंने उस कहानी में बताया, आप 21, 22, 23 देखेंगे धम्मपद की तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार राजा उदयन सामावती से बड़े प्रसन्न होते हैं और पूछते हैं कि सामावती तुम्हें कुछ चाहिए तो मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुमने बड़े अच्छे काम किए हैं। तो सामावती कहती है कि भगवान बुद्ध यहां रोज आए और यहां पे देशना दें। तो वो खबर भिजवाते हैं कौसाम्बी में जो घोषिता राम में जहां भगवान बुद्ध ठहरे हुए हैं कि भगवान बुद्ध जब तक यहां ठहरे हैं वो रोज आए और आके देशना दें। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो बुद्ध होते हैं वो बार बार नहीं जाते, आनंद आएंगे, आनंद देशना करेंगे। तो आनंद को वो वहां के लिए एंगेज कर देते हैं, आनंद वहां जाते हैं। तो आनंद जब वहां देशना दे रहे होते हैं तो देशना के बाद में जो मार्कंडेय जो सामावती है, सामावती के साथ में जो उसकी बहुत सारी सहेलियां और साथियां हैं और जो उसकी काम करने वाली हैं वो लगभग 500 करीब हैं और वो सब अपने उत्तरासन का मतलब है जो उनके ऊपर का कपड़ा सर पर ओढ़ने वाला कपड़ा होता है वो उतार के दान में दे देती हैं सब 500 के 500। तो क्योंकि कपड़े बहुत प्रीशियस और बहुत कीमती हुआ करते थे उस समय, क्योंकि हाथ से बनते थे, बड़ी मुश्किल से बनते थे, तो 500 वो जो उत्तरासन होते हैं यानी छोटे चीवर जो होते हैं, छोटी चादर जो होती हैं, उनको लेके वो बिहार चले जाते हैं। राजा उदयन को जब ये पता चलता है कि ऐसे ऐसे आनंद आए, आनंद ने देशना दी, देशना को अच्छा मानकर खुश करके रानी सामावती और उसके 500 सहेलियों ने अपने सारी छोटी चादर यानी ओढ़नी दे दी, तो उनको बड़ा ताज्जुब होता है। ताज्जुब इस बात पर नहीं होता कि रानियों ने अपनी ओढ़नियां दे दी, उन्हें इस बात का होता है कि आनंद 500 लेके चले भी गए, एक भिक्कू 500 का क्या करेगा, एक भिक्कू 500 चीवर लेके चला गया, वो तो भिक्कू है क्या है, यानी कि उनको लगा कि ये तो लालची लोग हैं, ये जो भिक्कू हैं ये तो लालची लोग हैं, ये तो लेके चले गए। उन्होंने राजा उदयन ने अपने मन में बात रखी। अगले दिन फिर आनंद आए, आनंद ने फिर देशना दी। देशना देने के बाद में राजा उदयन उनके पास आए और उन्होंने कहा कि आनंद आप चीवर का क्या करते हो। तो उन्होंने कहा कि हम चीवर अपने स्टॉक में रख लेते हैं और जिस भिक्कू का चीवर खराब हो जाता है, फट जाता है, वो चीवर ले लेता है। तो उन्होंने पूछा फटे हुए चीवर का क्या करते हो। तो उन्होंने कहा फटे हुए चीवर का हम चादर बना लेते हैं बिछाने की। और फिर वो पूछते हैं जब चादर बेकार हो जाती है तो क्या करते हो। तो वो कहते हैं कि जब चादर बेकार हो जाती है तो या तो हम पर्दा बना लेते हैं या हम उसका पोछ, जो कपड़ा नहाने के बाद जो पोछना होता है, तौलिया होता है, वो बना लेते हैं। उन्होंने कहा जो पर्दा और पोछना खराब हो जाता है फिर क्या बनाते हो। कह रहे फिर हम उसका पैर का पोछना बना लेते हैं, नीचे पायदान बना लेते हैं। तो राजा कहते हैं जो पायदान भी खराब हो जाता है तो फिर क्या बनाते हो। तो कहते हैं फिर हम उसकी जो दिए की बाती है, बाती बना लेते हैं, ये बाकी कपड़े को मिट्टी में कूट कर और उसका कोई बर्तन या उसकी कोई चीज बना लेते हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य होता है, कहता है बहुत बढ़िया करते हो आप तो बिल्कुल भी कपड़ा बेकार नहीं करते। और राजा उसके जवाब से इतना खुश होता है कि 500 फिर आनंद को 500 चीवर और देता है दान में और 500 चीवर लेके वहां से आते हैं। ये जो राजा उदयन की कहानी है ये आज भी दिल्ली और दिल्ली के आसपास की घटना है। दरअसल जो दिल्ली के अंदर जो कैलाश पर्वत है उसको कलेश पर्वत बोलते हैं। दरअसल
मागंडिया का और सामावती का जो झगड़ा हुआ था वो यही था, यही वो टेरिटरी थी, यही वो चीजें थी, इसलिए इस पर्वत को कलेश पर्वत बोलते हैं, बाद में इसको कैलाश पर्वत बोला गया। यहाँ अशोक ने एक शिलालेख बनवाया हुआ है, वो शिलालेख आज भी यहाँ रखा हुआ है लोहे के जाली में, जैसा आप देख रहे हैं। यहाँ पे दो बुद्ध विहार भी हैं, एक जापानी बुद्ध विहार है और एक जो बरुआ भिक्कु हैं उनका भी बुद्ध विहार है। और इस कैलाश पर्वत के बराबर में कैलाश कॉलोनी बन गई, यानी कलेश कॉलोनी बन गई है। और यहाँ आप अगर देखेंगे तो एक यहाँ पर राजा उदयन का कौसाम्बी का जो नाम था जिसमें रानी सामावती को लखा गया, लखा गया मतलब रानी सामावती को मागंडी ने जलवा दिया था, लाख के जो लाख का ढेर है घर के चारों तरफ लगा के जलवा दिया, तो लखा गया बोलते हैं इसको, यानी लखा गया। उस लखा गया का सामावती लखा गया, सामावती लखा से समाल खां पड़ा हुआ है, समाल लखा, समाल खां, ये जगह दिल्ली के बिल्कुल पास है, हरियाणा बॉर्डर से थोड़ा सा दूर है, समाल खां नाम की जगह है, वो सामावती जो लखी गई उसकी जगह है। और जो ये सामापुर है उसका एक नाम बना समयपुर करके बना। और राजा उदयन का जो नाम है वो उदंत खेड़ी करके भी एक जगह है, वहां जो मध्य प्रदेश में आती है। और सोनीपत के पास में एक कुमाशपुर है जिसको कम्मासपुर बोलते हैं, कम्मासपुर में एक सती पठान का सेंटर भी है, जो कम्मासपुर में भगवान बुद्ध आए थे, जिसमें कम्मासपुर सूत्र दिया था उसी समय जब भगवान बुद्ध आए थे, जब ये मागंडीय ने अपनी शादी के प्रस्ताव के लिए उसके माँ बाप ने कहा, तो कम्मासपुर में थे उस समय, तो कम्मासपुर का एक सूत्र भी है जहाँ भगवान बुद्ध ने बताया कि 7 दिन के अंदर भी हरियाणा पंजाब के लोग मुक्त हो सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ये पूरी पूरी आनंद की कहानी है, आनंद बहुत बढ़िया करैक्टर है, आनंद की और भी कहानियां हैं, मैं धीरे धीरे करके आपको बताता रहूंगा। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Time.